हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, जो कि आगामी आने वाले परीक्षा, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे मंडी बोर्ड वाला भर्ती वाला परीक्षा हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मंडी जो परीक्षा है उस पर तो टॉपिक ही है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हमारा जो प्रौद्योगिकी से संबंधित जो हम लोग आज देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में आप कितना जानते हैं, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरे बताने से पहले आपको उत्तर सोच के रखना है कि वास्तव में इसका उत्तर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इसरो ISRO की स्थापना कब हुई थी? या 15 अगस्त 1969, 26 जनवरी 1969, या 2 अक्टूबर 1971, या 23 नवंबर 1959, इसमें से कोई एक आपको बताना है कि स्थापना कब हुई थी। सही आंसर इसका ए आएगा, 15 अगस्त 1969 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसका पहले जो नाम हुआ करता था या इनको स्पेयर इसका पुराना नाम है, जिसको बदल के 15 अगस्त 1969 को इसरो कर दिया गया, और इसको स्थापना करने का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई को जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो उस समय प्रधानमंत्री थे। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र या बेंगलुरु, कर्नाटक, इसमें से आपको बताना है कि इसके स्थापना मुख्यालय कहां पर है। सही आंसर इसका डी आएगा, इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल में, पारदीप उड़ीसा में, या ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां बता देना चाहूंगा कि इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, यहीं से जो श्री को हरिकोटा से अधिकांश जो रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है अंतरिक्ष के लिए जो रॉकेट प्रक्षेपित करता है, प्रक्षेपण केंद्र है ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्वेश्चन से, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के सहयोग द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया था? 1 अप्रैल 1975 को, 10 अप्रैल 1975 को, या 15 अप्रैल 1975 को, या 19 अप्रैल 1975 को, इसमें से आपको बताना है। ये तो आपको पता है भाई कि भाई 1975 में आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन अगर तारीख पूछ दिया जाए तो किस तारीख को ये प्रक्षेपित किया गया था, तो सही आंसर डी आएगा, 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को ये प्रक्षेपित किया गया था। ये जो रूस से, वास्तव में जो है रूस के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। उसमें रॉकेट का जो नाम था कॉस्मिस 3M करके नाम था इस रॉकेट का नाम, और कपुस्टियन जो जगह का नाम था, रूस का भाग है यहाँ पर, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला ये बोला जाए तो रॉकेट था, प्रक्षेपण रॉकेट था। मात्र 5 दिन तक का ये काम किया, 5 दिन के बाद ये खराब हो गया था स्वदेशी, लेकिन कोई बात नहीं, भारत ने पहला यहाँ पर प्रयोग किया था इस चीज का। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 7 जून 1989 को भारत का दूसरा उपग्रह छोड़ा गया, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट द्विति, बाणभट्ट, प्रभाकर या भास्कर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इसका नाम भास्कर था। जो 7 जून 1989 को भारत का दूसरा उपग्रह जो छोड़ा था, मात्र 742 ये जो इसका जो किलोग्राम था, 742 किलोग्राम का ये हुआ था, और पृथ्वी की कक्षा में इसको जो स्थापित किया गया था भारत में, पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित किया गया था। और ये SLV श्रृंखला का था, SLV 3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। और वास्तव में हम इसमें जो विकास करना चाहते थे, रोहिणी श्रृंखला, माने यहाँ पर जो रॉकेट का प्रक्षेपण कैसे हो, इसके लिए रोहिणी श्रृंखला इसको नाम दिया गया था। इसी का एक भाग था यहाँ पर, यह रोहिणी श्रृंखला के अंतर्गत इसको SLV सोलर लॉन्च व्हीकल के द्वारा छोड़ा गया था, SLV 3 द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था भास्कर को। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये तो सबको आपको पता है कि डॉक्टर एस सोमनाथ जो इसरो के वर्तमान चेयरमैन है।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, इसरो ने चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा की परिक्रमा के लिए कब भेजा था। यहां पर चंद्रयान प्रथम की बात किया जा रहा है कि चंद्रयान प्रथम को कब भेजा था, ये आपको बताना है। थर्ड तो आप जानते हैं, यहां पर 2010 में, 2009 में, 2008 में या 2007 में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 22 अक्टूबर, याद रखेंगे 22 अक्टूबर 2008 को इसको भेजा गया था, चंद्रमा की कक्षा के लिए भेजा गया था। चंद्रमा से ये 100 किलोमीटर ऊपर पर, ये 100 किलोमीटर ऊपर पर ये चक्कर मार रहा था और वहां की तस्वीर भेज रहा था। यहाँ पर 100 किलोमीटर ऊपर से चक्कर मार के पहला जो है प्रायोगिक था और ये तस्वीर भेजा था। क्वेश्चन हमारे सामने था, इसरो ने मंगल की परिक्रमा के लिए मंगलयान, मंगल ऑर्बिटर मिशन कब भेजा था, ये आपको बताना है। 2010, 2012, 2013 या 2014, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 2013, 8 यहां पर यार 5 नवंबर को ये भेजा गया था, 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा से ही भेजा गया था। PSLV-C25 जो रॉकेट का नाम था, PSLV-C25 के द्वारा इसको मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ये आपको बताना है। होमो जहांगीर भाभा को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, एपीजे अब्दुल कलाम को या डॉक्टर एस चंद्रशेखर को। सही आंसर बी आएगा, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, पूरा नाम है डॉक्टर विक्रम अंबाभाई साराभाई, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह को स्थापित करने की क्षमता भारत ने किस रॉकेट यान में है, SLV है, PSLV है, GSLV है या उपरोक्त सभी में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाने था, भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, हिंदी में भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह छोड़ता है किसी भी उपग्रह को। इसरो का पहला मौसम सम परिवर्तित उपग्रह का नाम क्या है, रिसेट 2, कल्पना 1, कार्टोसेट या रिसोर्स सेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, कल्पना 1, एक कल्पना 1, इसका पहले जो नाम था मैटसैट 1, कल्पना 1 का नाम मैटसैट 1 था, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ और कल्पना चावला जो भारतीय मूल की थी और इसका एक्सीडेंट हुआ और अंतरिक्ष यात्री, तो उसी के याद में जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नाम बदलकर कल्पना 1 कर दिया गया था उसके सम्मान में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, IRNSS भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए क्या रखा था, कप्तान, मल्लाह, जलपुत्र या नाभिक, तो सही आंसर डी आएगा, नाभिक रखा था। क्वेश्चन आता है, 2017 में इसरो ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में छोड़कर इतिहास रचा था, 28, 57, 104 या 147, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 104 जो है अंतरिक्ष में जो छोड़ा था भारत ने, ये रूस को पीछे छोड़ते हुए ये 104 उपग्रह को एक साथ छोड़ने वाला भारत का ये पहला देश में बन गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में, तिरुवनंतपुरम केरल में, मुद्रे तमिलनाडु में या भोपाल MP में, इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कहां पर ये स्थित है। सही आंसर भी आएगा, तिरुवनंतपुरम केरल, ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मंगलयान का प्रक्षेपण किससे हुआ था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से, हैदराबाद स्पेस सेंटर से या चांदीपुर उड़ीसा से, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर इसका जो प्रक्षेपण यहीं से हुआ था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण हुआ था। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1967, 1975, 1978 या 1972, इसमें से आपको बताना है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर डी आएगा 1972। 1972 1969 में जब इसरो बना, इसी के बाद भारतीय अंतरिक्ष आयोग 1972 में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट, भास्कर वन, एप्पल या पूर्णिमा, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था। एप्पल पूरा नाम इसका था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल, ये स्वदेशी निर्मित ये उपग्रह था। 19 जून 1981 को इसको कोरू से छोड़ा गया था। यहाँ पर कोरू से इसको छोड़ा गया था 1981 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, नई दिल्ली या चेन्नई, तमिलनाडु, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक में, तिरुवनंतपुरम केरल में, कल्पक्कम तमिलनाडु में या काकरापाड़ा गुजरात में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, कल्पक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार क्षेत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है कौन सी है? IRS, NSAT, रोहिणी या कार्टोसेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा बी, इनसेट। इनसेट जो वो होता है, ये दूर संचार प्रसार मौसम विज्ञान के लिए लाया गया था। IRS की बात किया जाए तो भारतीय रिमोट ट्रेसिंग कहा जाता, तारा मंडल की जानकारी प्राप्त करने के लिए बात किया गया था। रोहिणी श्रृंखला तो हमारा जो लॉन्च व्हीकल है, जो छोड़ने वाला जो व्हीकल है, उसके विकास के लिए, इसको रॉकेट के विकास के लिए रोहिणी श्रृंखला को लाया गया था। तो दूर संचार और ये सब के लिए इनसेट को लाया गया। इसरो का मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन है जो अवस्थित है कर्नाटक में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 21 का ए आएगा, ये कर्नाटक में स्थित है हासन। क्वेश्चन हमारे सामने 22 नंबर का यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद या राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सा गलत है। सही आंसर बी आएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा नहीं है, कर्नाटक राज्य बेंगलोर बेंगलोर में है। यहाँ पर तो श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो का जो उपग्रह केंद्र जो है, ये आपका मिल जाएगा कर्नाटक राज्य बेंगलोर में, यहाँ पर आ जाएगा। तो 22 का आंसर बी जो कि सुमेलित नहीं है। भारतीय चंद्रयान द्वितीय मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो ये आपको बताना है, GSLV MK3 है, GSLV MK2 है, GSLV MK1 है या PSLV, इसमें से कोई एक आएगा जो आपको बताना है। सही आंसर भारतीय चंद्रयान सेकंड जो फेल हो गया था, GSLV MK3 था, GSLV MK3 इसका प्रक्षेपण यान का नाम था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, श्रीहरिकोटा द्वीप निम्न में से किसके निकट अवस्थित है? महाद्वीप के, महानदी के मुहाने, चिल्का झील पर, पुलिकट झील पर या गोदावरी के मुहाने, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये पुलिकट झील के समीप स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत में किस वर्ष स्वदेशी प्रक्षेपण यान से स्वदेशी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, ये आपको बताना है। 1975, 1989, 1980 या 1982, इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर सी आएगा 1980, माने जो भारत में स्वदेशी प्रक्षेपण यान से स्वदेशी उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था 1980 में, तो ये 25 का जो आंसर आएगा उसी आएगा। वास्तव में 18 जुलाई 1980 की बात है जब रोहिणी उपग्रह से सफलतापूर्वक हमने अपने प्रक्षेपण यान को छोड़ा था। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा में, भोपाल में, अहमदाबाद में या थुम्बा में, इसमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए ये अहमदाबाद में स्थापित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है 27वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, GSAT जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, PSLV पैनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये गलत है, पोलर होना था, पैनल नहीं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर होगा। तो 27 नंबर का डी है जो सही सुमेलित नहीं है। GSLV कक्षा निम्नलिखित में से किस ऊंचाई को कहा जाता है? 3000 से 2000, 2000 से 4000, 8000 से 36000 किलोमीटर, 36000 किलोमीटर से ऊपर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, 36000 किलोमीटर से ऊपर। पृथ्वी जो भी 36000 किलोमीटर तक का इसका गुरुत्वाकर्षण की आकर्षण शक्ति होता है, और किसी को भी इससे 36000 के जो भी नीचे होगा वो आसपास होगा उसको पृथ्वी खींच लेती है, लेकिन जहां 36000 से ऊपर छोड़ देता है तो इसको प्लैन बेग बोला जाता है। प्लैन बेग से ऊपर आप छोड़ेंगे तो ये अपना इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर निकल जाएगी, तब ये इसके दायरे से, इसके खिंचाव से दूर हो जाती है। तो इसको भेजने के लिए हमको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत के अंतरिक्ष में पहले मानव मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 3, गगनयान 2, गगनयान या आदित्यान, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी है, गगनयान इसका नाम रखा गया जब भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजेगा। भारत के पहले सूर्य मिशन का नाम क्या है? प्रभाकर L1, आदित्य L1, भास्कर M2 या प्रचंड 300M, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य मिशन का अभी सक्सेस हुआ है, उसने सूर्य के नजदीक पहुंचने में हमारा आदित्य 1 हमारा जो मिशन है ये सक्सेस पूर्वक सफल हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।